हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 5 से 12 तक की स्टडी कर रहा है, उनके लिए 90,000 तक की स्कॉलरशिप लेने का मौका है। जी हाँ, केवल एक एग्जाम देकर। मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम AISTE की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें टेस्ट में और एग्जाम में क्या होगा, कितनी कौन कौन सी कक्षा के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इन सभी प्रश्नों का भी मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम है क्या। तो फ्रेंड्स, ये एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और ये जो है हर साल इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। और इस टेस्ट में जो भी विद्यार्थी रैंक के हिसाब से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें मैं आपको सारी प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि एग्जाम कैसा होता है, किस रैंक की कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। परंतु इनका जो उद्देश्य है कि ये हर बच्चे के टैलेंट को देखना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, उसका होल्डिंग उन्हें जो है सपोर्ट करते हैं कि वे आगे की जो अच्छी पढ़ाई कर सके। तो इसलिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता हो। AISTE जो है ये सिटोन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर ये अंतर्गत ये काम करती है, और ये जो कंपनी है यही इसको कंडक्ट कराती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या है इसका रैंक सिस्टम। फ्रेंड, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो विद्यार्थी कक्षा 5 से लेकर 12 तक की अगर पढ़ाई कर रहा है तो कोई भी विद्यार्थी से अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट रैंक होल्डर होगा अपनी क्लास का, उसमें उसे 90,000 रुपये प्लस बुक फैसिलिटी, एक साल के लिए उसे बुक प्रोवाइड कराई जाएंगी और एक एक्सलेंस सर्टिफिकेट। ये तो फर्स्ट रैंक के लिए 90,000 रुपये का। उसमें जो सेकेंड रैंक होगा उसे 70,000 का अवार्ड मिलेगा और एक साल की जो बुक फैसिलिटी मिलेगी और एक्सलेंस अवार्ड मिलेगा सर्टिफिकेट। और थर्ड रैंक के लिए इसमें 50,000 रुपये। उसके बाद जो टॉप 500 बच्चे रहेंगे, जो 500 टॉप स्टूडेंट रहेंगे, तो उन्हें की जो 100% फीस माफ कर दी जाएगी। अर्थात जो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 249 रुपये लगने वाली है इसमें, और जब आप ऑनलाइन फिल करोगे तो उसमें आपके 249 रुपये कटेंगे। तो वह अगर आपका बच्चा, यदि आपका विद्यार्थी टॉप 500 में आता है, उसकी जो फीस माफ कर दी जाएगी। अगर आपका विद्यार्थी टॉप 1000 में आता है, अगर यदि शुरू के 1000 बच्चों में, अगर वह जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 1000 बच्चों में उसका नंबर आता है, तो उसे एक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी अवश्य मिलेगा। यदि आप 1000 में भी टॉप 1000 में आते हैं तो आपका पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट आपको जरूर अवश्य मिलेगा। इसके बाद जो इसमें आपके जो सेंटर रहेंगे जहां आपको उसमें एग्जाम देने हैं, वे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। जैसे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा। और इसका एग्जाम का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। तो एग्जाम का पैटर्न बहुत ईजी है। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि आपके मैथमेटिक्स का 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन होंगे, और साइंस के 20 और जीके के भी 20 क्वेश्चन होंगे। एक बार फीस के विषय में आपको बता देता हूँ। फीस इसमें जो होगा आपको 249 पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन फिल करते समय, और जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए 199 फीस है। एग्जाम सेंटर जो होंगे, एग्जाम सेंटर आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, जो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं में आपके एग्जाम सेंटर होंगे इसके। फ्रेंड्स, ये जो 120 क्वेश्चन होंगे, इसका जो सिलेबस है, इसमें आपके जो एग्जाम होगा वो अकॉर्डिंग टू क्लास होगा। आप जिस क्लास से इसमें फिल कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आएगा, उसी अकॉर्डिंग आपकी मेरिट अलग से बनेगी। हर क्लास की अलग मेरिट इसमें बनने वाली है। तो ये जो है, आप अगर फोर्थ क्लास में हैं तो आपके लिए फोर्थ क्लास की, और आप जो 5, 6, 7, 8 और 12 तक भर सकते हैं। तो 12 तक के लिए अलग अलग इसमें जो एग्जाम लेवल रहेगा, परंतु रहेगा इससे हम यही कि आपके जो 60 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और इंग्लिश के आएंगे, साइंस भी है, जीके भी, ये सब पैटर्न सेम रहेगा, 120 क्वेश्चन ही आएंगे, परंतु इसका जो लेवल है वो अकॉर्डिंग टू क्लास होगा। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन हो सकता है आपका। और जो आपका एग्जाम डेट है वो इसकी 26 जुलाई है, और जो इसकी लास्ट डेट है आवेदन की, जो लास्ट डेट है फिल करने की, वो है इसकी 30 जून। और एडमिट कार्ड आपके 6 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड प्राप्त होंगे, और 16 अगस्त को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 16 अगस्त के बाद, रिजल्ट के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप आपके डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। आप फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर क्लिक करेंगे तो आप करने के बाद आपको इस तरीके से इसका होम पेज ओपन दिखेगा। तो इसका आप होम पेज में जाएंगे
और होम पेज में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा इसमें अप्लाई ऑनलाइन। तो आप अप्लाई दो तरीके से करते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी है फॉर्म भरना, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपने मोबाइल की सहायता से अपने घर पर ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही छोटा फॉर्म है इसका, कोई ज़्यादा इसमें स्टेप नहीं है। तो मैं आपको बताया था कैसे आपको फिल करना है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और जब ये आपके सामने इसका इंटरफेस खुलेगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैंडिडेट का नेम, जो भी एप्लीकेंट है उसके फादर का नेम, उसके मदर नेम और मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल चैलेंज यानी कि वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस और नहीं है तो नो। उसके बाद है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ चुन लेंगे, जेंडर फीमेल मेल जो भी है, एड्रेस, और एड्रेस के बाद आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, यहाँ स्टेट आप कौन से उत्तर किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आप जैसे ही राज्य चुनेंगे यहाँ पर, सपोज डेट आपने अपने राज्य को चुना तो आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट खुल जाएगी, आप यहाँ पर फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी क्लास नेम डालेंगे यानी कि आप कौन सी क्लास में है, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ में, ये जो फोर्थ के लिए नहीं है, जो मतलब फाइव में जो विद्यार्थी इस बार हैं यानी कि फोर्थ जिन्होंने पास कर लिए वही बच्चे इसको भर सकते हैं जो फाइव में आए हैं, जो फोर्थ में इस बार आए हैं उनके लिए एग्जाम नहीं है, जो फाइव में आए हैं यानी कि फोर्थ जिन्होंने पास किया है। तो यहाँ से फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन जो भी है आप क्लास नेम डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, और जो एप्लीकेंट सिग्नेचर है आप यहाँ भर सकते हैं अपना एप्लीकेंट सिग्नेचर, आपको उसका सिग्नेचर करना है विद्यार्थी का, उसका फोटो लेना है यहाँ पर अपलोड कर देना है, फोटो आप उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो हो या आप जाके कैमरे की सहायता से अपने मोबाइल से ही ले सकते हैं और उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके पास लिंक आएगा इसमें फीस सबमिशन के लिए, उसके बाद अपनी आप ऑनलाइन फीस सबमिशन कर सकते हैं, फीस सबमिशन के बाद आपका जो इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका इसमें जो जो है जुलाई के समय जो 6 जुलाई में इसमें आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, आप वहां से इसका एडमिट कार्ड ले सकते हैं फ्रेंड्स। और इस वेबसाइट से संबंधित कोई भी मेरे पास न्यूज आएगी इस स्कॉलरशिप से तो मैं एकदम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के स्कॉलरशिप के या जो भी करंट जॉब चल रही हैं, जितनी भी नौकरियां हैं और जितने भी जो एजुकेशन वीडियो हैं जो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, तो ये सब मैं अपने चैनल पर लगभग डालता रहता हूँ। फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब को YouTube के सर्च बॉक्स में जाएंगे, एमएस नॉलेज हब टाइप करेंगे तो आप हमारा चैनल को मिल जाएगा आपको, और आप यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको जो आगामी वीडियो के लिंक्स होता है आपके पास तक पहुंच जाया करेंगे, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। फ्रेंड्स मेरे यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें वीडियो अपलोड की हुई है। फ्रेंड्स जितनी भी स्कॉलरशिप की वीडियो आने और भी स्कॉलरशिप अभी हैं जिन पर मैं कार्य कर रहा हूँ तो वो जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, और जितनी भी भारत सरकार की जो सरकारी स्कीम है जितनी भी योजनाएं हैं उन पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, और जितने भी जो अगर आप ट्रिपल सी से तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिपल सी की मैंने यहाँ बिल्कुल एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें ट्रिपल सी के सेट है, उसमें आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी वीडियो वो अपलोड कर रहा हूँ मैं, और जितने भी करंट टॉपिक हैं जितने भी करंट अफेयर हैं वो लगातार है अपलोड कर रहा हूँ। तो एक विद्यार्थी के लिए मेरा एजुकेशन चैनल है और मैं विद्यार्थी जीवन से जितनी भी जुड़ी बातें हैं सब मैं यहाँ निरंतर अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई विद्यार्थी है तो उन तक इस चैनल को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। उसके बाद भी यदि आपको इस फॉर्म में कोई इस प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपना क्वेश्चन से या क्वेरी ले सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।